हेलो फ्रेंड्स आज हम क्लास टेंथ के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ रेक्टेंगुलर फील्ड एंड इन द फील्ड देर आर टू टाइप ऑफ साइड्स यू नो ना कि रेक्टेंगुलर अगर कोई फील्ड है तो उसमें एक लेंथ होती है विच इज अ लॉन्गर साइड एंड देर इज अ ब्रेथ विच इज अ शॉर्टर साइड सो यहाँ पे हमको रिलेशन गिवन है लॉन्गर साइड का शॉर्टर साइड का के साथ एंड डायगमिल का शॉर्टर साइड के साथ में तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट लेटर रेक्टेंगुलर फील्ड लेटर सपोज दिस इज अवर रेक्टेंगुलर फील्ड and this is the length which is a longer side also and there is a shorter side like AB. तो लेटर सपोज अगर आपकी शॉर्टर साइड x है उन्होंने बोला है कि जो लॉन्गर साइड है ना वो शॉर्टर साइड से 30 मोर है तो लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन दॉर्टर साइड एंड ऑल्सो देर दैट द डायगनल इज 60 मोर देन दॉर्टर साइड तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा एंड वी ऑलरेडी नो ना कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड होता है उसके ईच एंड एवरी एंगल कितना होता है 90 डिग्री अब आप also, आप ये भी देख सकते हो कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर में एक एंगल 90 है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा एंड वी कैन ऑल्सो अप्लाई द रिलेशन बिटवीन द साइड इन अ राइट एंगल ट्राएंगल इज वॉट थियोर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगनल स्क्वायर हेयर वी कैन अप्लाई लेथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इज इक्ल टू डायग्नल स्क्वायर और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन द टर्म्स ऑफ अर राइट एंगल ट्राइंगल सो वी कैन सी दैट द पर्पेंडिकुलर स्क्र प्लस बेस स्वायर इज इकल टू हाइप को स्क्वायर सो दिस इज अवर पर्पेंडिकुलर बेस एंड हाइप को और वी कैन एक्सचेंज दीज टू नम्स ऑल्सो सो हेयर विल स्टार्ट द्वेश्चन तो ये बहुत सिंपल सा मैंने ऑलरेडी आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दे कि हम कैसे क्वेश्चन को करने वाले हैं तो सोल्यूशन देखते हैं लेट कर लेंगे हम लेट क्या करेंगे लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स शॉर्टर साइड को ही हमने एक्स क्यों लेट किया यहाँ पे भाई शॉर्टर साइड को हमने इसलिए एक्स लेट किया क्यों क्योंकि जो डायगनल था और जो लॉन्गर साइड थी वो दोनों के दोनों हमें के टर्म्स में थे। इसी से हमने शॉर्टर साइड को ही एक्स ले लिया तो शॉर्टर साइड एक्स अगर हो गई तो लॉन्गर साइड कितनी होगी लॉन्गर साइड एक्स प्लस थर्टी या थर्टी प्लस एक्स कुछ भी लिख सकते हो आप एंड डायग्नल कितना होने वाला है डायग्नल कितना आएगा हमारा सिक्सटी प्लस एक्स बिकॉज डायग्नल इज सिक्सटी मोर देन दॉर्टर साइड तो यहां पर हमारी तीनों साइड हो गई नाउ वी कैन अप्लाई दायथोगोरोम इन द्राएंगल सो इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी वी कैन राइट दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर यह ऐसा कर सकते हो ना तो ए बी कितना आपका एक्स BC कितना है हमारा थर्टी प्लस एक्स एंड AC कितना है सिक्सटी प्लस एक्स अब हम क्या करेंगे ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया अब हम इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे ओपन करेंगे क्वार्टर टिक बनाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दोनों जगह लगेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन हंड्रेड क्योंकि थर्टी का स्क्वायर नाइन हंड्रेड होता है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटी एक्स टू ए बी टू इंटू थर्टी सिमिलरली हेयर वी गेट थर्टी सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन ट्वेंटी एक्स नाउ अब ट्रांसपोज करते एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा सो एक्स स्क्स नाइन हंड्रेड माइनस थर्टी सिक्स हंड्रेड प्लस वन ट्वेंटी वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस पहले ये वाला लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन तो ये हमारी इक्वेशन बन गई यू कैन सी दैट ठीक है नाउ विल सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड

मैंने इस पर भी एक अलग से वीडियो अपलोड करी है तो प्लीज आप उस वीडियो को भी देख लो वहां पे आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने तो अगर आपकी इक्वेशन क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर उड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ठीक है ठीक है ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर है और वो डिनोमिनेटर है टू ए वाला अगर आपकी इक्वेशन क्या एक्स स्क्स प्लस सी नाउ वी कैन कंपेयर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सो वी गेट ए इज इक्वल टू वन क्यों मिलेगा वन क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशन नहीं है एंड बी इज इक्वल टू माइनस

नाउ यू कैन सी दैट फोर इंटू ए ए की वैल्यू वन है सी कितना है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड तो ट्वेंटी सेवन हंड्रेड में अगर आप फोर से इंटू करोगे माइनस ट्वेंटी सेवन हंड्रेड तो पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ प्लस आ गया इसमें फोर से इंटू करोगे तो कितना आने वाला है फोर से इंटू करने पे इसमें आएगा आपका वन जीरो एट तो वन जीरो एट जीरो जीरो अपॉन टू ए की वैल्यू वन है तो टू ही आएगा सो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्सटी प्लस माइनस ुड इनको प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है 144 144 फोर वन फोर्टी फोर जीरो जीरो अपॉइंट टू एंड इफ यू सिंप्लीफाइड ना सिक्सटी प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर होता है यू ऑलरेडी नो ना वन फोर्टी फोर ट्वेल्व का स्क्वायर होता है तो एक जीरो और लगा दो टू जीरो हो जाता है तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया सिक्सटी प्लस वन ट्वेंटी बाई टू एंड बीटा इज इक्वल टू सिक्सटी माइनस वन ट्वेंटी अपॉइंट टू एंड अल्फा इज इक्वल टू वन एटी बाई टू यानी कि नाइनटी एंड बीटा इज इक्वल टू कितनाएगा माइनस का सो माइनस सिक्सटी बाइट माइनस थर्टी विच इज नॉट पॉसिबल यू कैन सी दैट नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द साइड नेवर बी नेगेटिव देंथ ऑफ साइड नेवर बी नेगेटिव सो दो द शॉर्टर साइड विल बी नाइनटी यूनिट्स तो शॉर्टर साइड कितनी होगी शॉर्टर साइड हो जाएगी आपकी नाइनटी यूनिट्स आप शॉर्टर साइड मीटर्स क्योंकि यहां पे आपको ऑलरेडी उन्होंने यूनिट दिया है ठीक है तो मीटर्स कर दो आप ठीक है अगर आपको नहीं दी होती ना यूनिट तो हम फिर अपनी मर्जी से ले लेते हैं तो इसलिए यूनिट लिख दिया था शॉर्टर साइड मिल गई है अब लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड कितनी होगी लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड तो लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी वी ऑलरेडी नो ना थर्टी प्लस एक्स तो थर्टी प्लस नाइनटी एंड वी गेट 120 meters. So this is our answer. ये ही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे. Longer side is equal to 120 and shorter side is equal to 90 meters. You can see it is very simple question. बहुत easily हमने इसको solve किया. बहुत simple सा question था और आप बहुत easily इसको समझ सकते हैं. Friends, hopefully आपको समझ आया होगा ना? हमने कुछ नहीं किया देर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड एंड वी हैव अ शॉर्टर साइड एंड द मेजरमेंट ऑफ द लॉन्गर साइड एंड द डायनल इज इन ऑफ अ अटर साइड तो हमने सबसे पहले शॉर्टर साइड को ही एक सिलेक्ट कर लिया फिर लॉन्गर साइड निकाल लिया डायगनल निकाल लिया and we can say, see that in a rectangle there is a 90 degree all the angles are right angle na so we can apply the pythagoras theorem abc triangle mein humne pythagoras theorem apply kiya ab square plus bc square equal to ac square ek relation mil gaya humko simplify kar liya relation quadratic equation mil gayi क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया आप कुछ भी लगा सकते हो मिड टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो Completing square भी कर सकते हो Answer same ही आने वाला है तो शॉर्टर साइड हमारी एक्स थी इसीलिए हमने 90 सेंटीमीटर 90 मीटर हमने शॉर्टर साइड बोला और लॉन्गर साइड हमारी 120 ट्वेंटी आ गई सो द साइड्स आर 90 कॉमो वन ट्वेंटी दिस इज द आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स मजा आ रहा होगा ना आपको मेरे साथ क्लास के टेंथ का सिलेबस करने में अगर आपको मेरे साथ क्लास टेंथ का कर सिलेबस करने में मज़ा आ रहा है अभी मैं ना आप लोगों के लिए रेफरेंस बुक के भी सारे जो आपके एग्जाम्पलर है आर एस आर डी उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाली हूँ तो क्लास टेंथ की मतलब मैं ट्राई करूंगी कि जितने भी पॉसिबल जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो करें प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें थैंक यू सो मच फ्रेंड्स